जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद के अध्यक्ष संदीप तिवारी द्वारा घर संचार बाईपास रोड स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके साथ जिला फिरोजाबाद के कांग्रेस SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संत कुमार मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में संदीप तिवारी ने बताया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री ब्रजलाल खाबरी के निर्देश पर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता का क्या मुख्य उद्देश्य था, देखें इस खास रिपोर्ट में। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री ब्रजलाल खाबरी जी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर ये जो प्रेस वार्ता कार्यालय पर बुलाई गई है, उसका जो मेन उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार से दलित और पिछड़े लोगों के, जिसे कहते हैं उनकी तरक्की में बाधा बनना और उन पर कुटाराघात करने के लिए जो कुचक्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में ये कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी अनुमूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में लाया गया था, जिसके तहत अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। परंतु और मंजूरी देते समय जिलाधिकारी ये देखते थे कि बेचने वाली जमीन पे इस व्यक्ति के पास कम से कम 3.125 एकड़ भूमि बची रहनी चाहिए, अगर उससे कम बचती है तो वो उसको मंजूरी नहीं देते थे। ये सिर्फ इसलिए कांग्रेस पार्टी लेके आई थी 1950 में अधिनियम, कि जिससे कि जो SC/ST के लोग हैं उनके साथ वो अपने जीवन यापन करने में किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो और भविष्य में उनके परिवार के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। परंतु ये सरकार जो इस वक्त प्रदेश की सरकार है, वो इस नियम को, जो अधिनियम को समाप्त करके अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिससे कि जो धनाढ्य लोग हैं वो SC/ST लोगों की जमीन ले लें, उल्टे सीधे हथकंडे अपना बल प्रयोग से ले लें, चाहे धन प्रयोग से ले लें और उन पर एक तरह से कब्जा कर लें, और जिससे कि उनका जो विकास का रास्ता है जो कांग्रेस द्वारा उनको दिया गया था, उसको वो उसमें अवरोध पैदा करें। हम सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में ये सभी लोग, जितने लोग हैं, हम कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे। हम इस प्रकार के नियम को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।